नमस्कार वीएली भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत सीएससी उत्तर प्रदेश से आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल खरीफ की फसल का बीमा करने के लिए अभी पीएमएफबीवाई पे फसलों का बीमा करना स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल पे लाइव हो चुका है। तो आज हम सब लोग जानेंगे कि हमारे वीएली भाई किस तरीके से फसल बीमा में किसानों का पंजीकरण कर सकते हैं और क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होती है और किन किन सावधान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हमारी केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत हम किसानों की फसलों का बीमा करते हैं ताकि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से उनकी सुरक्षा प्रदान कराई जा सके, जैसे कि ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली, जल भराव इत्यादि जो भी कारण रहते हैं और किसानों की फसलों नष्ट हो जाती है पूर्णतया। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना को बनाया जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दिया गया। आप इस योजना में अब किसी भी किसान भाई के फसल को पंजीकृत कर सकते हैं और इसमें जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम का केवल 2% यानी 100 रुपए में से 2 रुपए ही किसान से लिया जाता है, बाकी का 98% राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और यदि उनकी फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है और उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को सुरक्षित किया हुआ है तो उन्हें उसका पूरा ही भुगतान किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पूर्व कि आप सभी अपने आसपास में जो भी किसान भाई हैं उनको फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएं और इस योजना के तहत उनको पंजीकृत करें और इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाएं। ये योजना 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इस योजना में अगर ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, भारी बेमौसम बरसात, कोई भी रोग, कीटाणु आदि से अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से आपकी फसल को कोई भी नुकसान होता है तो उस जोखिम को कवर करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। पहले ये योजना जो ऋणी किसान है और गैर ऋणी, ऋणी का मतलब वो किसान जिन्होंने केसीसी ले रखा है, गैर ऋणी जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखा है। 2020 से पहले जो भी ऋणी किसान थे जिनका केसीसी था उनके लिए इस फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य था, उनको इसे अनिवार्य रूप से लेना था, लेकिन उसके बाद से इसे ऐच्छिक कर दिया गया है, यानी कि वो चाहे तो इसमें अपना फसल बीमा करवाए अगर वो ऋणी है, और गैर ऋणी तो उसको कर सकते हैं। अगर वो बैंक से नहीं करवाना चाहते तो ऑप्ट आउट का फॉर्म लेके सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो कुछ फसल बीमा योजना में हमारे वीएली भाइयों की भूमिका होती है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप सामने पीपीटी पे देख पा रहे हैं। योजना के बारे में किसानों को शिक्षित करना, आप अपने आसपास में जो भी किसान भाई हमारे हैं उनको इस योजना के बारे में बताएं, उसको उनको इस योजना के महत्व को बताएं और इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए उन्हें इसमें पंजीकृत करें। सभी वीएली भाइयों को इस योजना के लिए जो भी बीमा कंपनी आपके जिले में है वो आप तक प्रचार प्रसार का सामान उपलब्ध कराएंगी। सरकार द्वारा विभिन्न तरीके से इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए काफी चीजें की जाती हैं, जैसे कि किसी प्रचार के लिए वैन का एक इस्तेमाल होता है जो जगह जगह घूम के आपको फसल बीमा योजना के बारे में बताती है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, किसान संगोष्ठियां कराई जाती हैं,
किसान पाठशाला करवाई जाती है, जिससे कि लोगों में इस जागरूकता फैले और वो अपनी फसलों का बीमा करवाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना हो और किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। यदि उनकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है तो उन्हें उसकी पूरी भरपाई हो सके। अब मैं बात करूंगा कि यदि आप अपने पोर्टल से या सीएससी भाई, बीएलई भाई, हमारे किसी किसान भाई की फसल का बीमा करना चाहेंगे तो हमें कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है आधार कार्ड, भूमि अधिकार दस्तावेज, जैसे आपको मैं बताऊं कि उनका जो भूलेख होता है उसका रिकॉर्ड, बैंक की पासबुक, एफिडेविट ऑब्लिक बुआई प्रमाण पत्र। एफिडेविट उस केस में जरूरत पड़ती है हमको जब हम ठेके पे किसानी कर रहे होते हैं या पट्टे पे जैसे ले लेते हैं, किराए पे लेते हैं, तो उसमें वहां पे एफिडेविट लेना पड़ता है, तब हम उसको फसल का बीमा करवा सकते हैं। ये कुछ दस्तावेज हैं जिनको हमें जरूरत पड़ती है। मैं आपको स्लाइड में दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। ये भू अभिलेख, इसकी कॉपी लगती है, जिस भी किसान भाई को अपना बीमा करवाना है उसे अपने भू अभिलेख का एक निकलवा के देना होगा, वो अपलोड होगा। बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज जिसपे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा हो। एफिडेविट अगर आप किसानी किराए पे करते हैं। और दूसरा होता है बुआई प्रमाण पत्र। एक और चीज है जो अभी इसमें आपको नहीं दिख रही, बुआई प्रमाण पत्र ये होता है जो कि किसान भाई को स्वयं के द्वारा एक प्लेन पेपर पे लिख के देना होता है कि वह उक्त फसल को, जो भी फसल वो कर रहा है, उसने इतने एरिया में या इतने एरिया जमीन पे, इतने हेक्टेयर पे ये फसल बोई गई है और वह इसका बीमा करवा रहा है। सिर्फ ये चीज लिख करके अपलोड करनी होती है और साइन करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पोर्टल पे हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है, सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें सर्विसेज में गवर्नमेंट पे क्लिक करना है और वहां पे पीएमएफबीवाई को सेलेक्ट करना है, या फसल बीमा योजना में फसल शब्द टाइप करेंगे वैसे ही आ जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सीएससी कनेक्ट का एक बटन दिखेगा, हमें वहां पे क्लिक करना है। स्टेट सेलेक्ट करने को कहेगा हमें, हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, और साइड में हमको सेलेक्ट करना होगा किस योजना का। तो हमें ध्यान रखें कि अभी जो भी हम किसान भाई उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे सेलेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023। और फिर आगे आपका कुछ इस तरीके का पेज आएगा, सीएससी एप्लीकेशन पे आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और विभिन्न जानकारियां जो हमसे पूछी जा रही हैं एकदम सही सही और देख के उनको उस पे इनपुट करना है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, किसान का व्यक्तिगत विवरण जो है यहाँ पे, किसान का नाम पासबुक के आधार पर, नाम पासबुक के आधार पर जो उनका आधार पे नाम है एज इट इज वो, उनका आधार नंबर, और वैलिडेट के लिए यहाँ पे ग्रीन टिक दिखेगा उस पे आपको वैलिडेट कर देना। रिलेटिव में यहाँ पे सन ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी या तो हमारी किसान बहने या हमारे भाई अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वहां पे इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो कि आपका चल रहा है, उम्र, जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब है श्रेणी, ओबीसी सामान्य, फार्मर कैटेगरी, यहाँ पे आपको 3 से 4 कैटेगरी दिखाई जाएंगी, ओनर, स्मॉल, मार्जिनल, तो ओनर टेनेंट, तो यदि आप खुद ही उस भूमि के स्वामी हैं तो ओनर सेलेक्ट करेंगे, यदि आप बटाई पे खेती करते हैं तो टेनेंट सेलेक्ट करेंगे, फार्मर टाइप, स्मॉल, मार्जिनल या बिग, आप किस तरीके के किसान हैं, आप बड़ी पैमाने पे खेती करते हैं, आप मार्जिनल पैमाने पे करते हैं, आप छोटे किसान हैं। उसके नीचे आपको अपना एड्रेस भरना है एज इट इज, जो आधार में है उसी के हिसाब से। फिर आता है फसल विवरण, क्रॉप डिटेल्स। क्रॉप डिटेल्स में आप स्टेट आपका सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेनी है पॉपअप से, ब्लॉक,
विलेज, नीचे यहाँ पे आपको क्रॉप दिखेगी। यदि आप उस भूमि पे आपका जो डाल रहे हैं वहां पे दो तरीके की खेती करते हैं तो आप ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जो ड्रॉप डाउन में आ रही है आपकी क्रॉप, सोइंग डेट जब आप बुआई कर रहे हैं बुआई की तारीख, एरिया, खसरा नंबर और ये सारी डिटेल्स डाल करके यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप सम एश्योर्ड कितने का बीमा हो रहा है। अगला कॉलम होता है प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कितना है। फार्मर शेयर मतलब आपका कितना हिस्सा है उस प्रीमियम में, और टोटल प्रीमियम तो जितना भी टोटल प्रीमियम होगा वो आपका शेयर 2% ही होता है, बाकी 98% स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस। तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट आपको शुरुआत में बताए, बैंक पासबुक, आधार, लैंड का रिकॉर्ड यानी भू अभिलेख, स्विंग सर्टिफिकेट, टेनेंट सर्टिफिकेट। स्विंग सर्टिफिकेट में मैंने जैसे बताया आपको कि आपको सिंपल किसान से एक प्लेन पेपर पे उसके द्वारा उगाई गई फसल का विवरण ले लेना है कि वो इतनी भूमि पे ये फसल उसने बो रखी है और उसके साइन। टेनेंट सर्टिफिकेट यदि वो बटाई पे खेती करता है तो एक एफिडेविट वहां पे उसका लगेगा, वो अपलोड होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं प्लीज एक बार उसको, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट क्लियर ना होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी उसको रिवर्ट कर देती है, यानी कि उस प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उसका बीमा होता नहीं है। और ऐसी दशा में अगर वो नहीं होता और किसान को कोई भी और आपके द्वारा रिवर्ट नहीं किया जाता तो उसको होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो पाठनीय हो, सही हो, और मैं एक आप अपने एहतियात के लिए जिस भी किसान भाई का बीमा कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लें, आप अपने एक्सेल पे एक सॉफ्ट कॉपी में रखें। यदि आगे चल के किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन बीमा कंपनी द्वारा एप्लीकेशन में किया जाता है तो आप उसको तत्काल सुधार कर सकें। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं सही है। एक बार आप उसको पूरा अवलोकन कर लें और नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगला पेज आपको पेमेंट के लिए बताएगा, नीचे आप मेक पेमेंट करेंगे और वॉलेट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट और जितना दे है वो आ जाएगा, वैलिडेट करेंगे, पिन पासवर्ड डालेंगे और पे हो जाएगा। इसके बाद वो आपको पेड एप्लीकेशन में दिखने लगेगा नीचे, जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है। इस तरीके से हम किसी भी किसान भाई का बहुत ही आसानी से फसल का बीमा कर सकते हैं। और यदि फसल का बीमा करने के बाद उनका एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की कोई त्रुटि होती है तो हम वहां पे जाएंगे और रिवर्टेड एप्लीकेशन के टैब में यदि कोई भी एप्लीकेशन हमारी जो अपूर्ण है या कुछ गलत रह गया या कुछ छूट गया या कोई कमी आती है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसे वापस कर दिया जाता है, वो हमें रिवर्टेड एप्लीकेशन में दिखेगी और रीजन दिखता है। आप वहां से जाके उसको दोबारा पुनः सही कर सकते हैं ताकि हमारे किसान भाई का बीमा ठीक तरीके से हो जाए और उसे क्षतिपूर्ति पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा किसान भाई के लिए हम बीमा कर रहे हैं तो ये 31 जुलाई 2023 तक ही केवल पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा यानी रहे। तो जितने भी ज्यादा किसान भाइयों का हम जल्दी से जल्दी बीमा कर सकते हैं, उनकी फसलों का बीमा कर सकते हैं, करें और उन्हें इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि आखिरी के आने वाले दिनों में पोर्टल पे हैवी लोड होने की वजह से ये काम करने में इसमें दिक्कत हो सकती, हो सकता है कभी कभी सर्वर ना मिले। तो जितना जल्दी हो सके हम किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत उनका पंजीकरण करके लाभ दिलाएं। किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई परेशानी आती है तो आप अपने जिले में जिला प्रबंधक से बात करें या फिर हमसे स्टेट में संपर्क करें, आपकी तुरंत मदद की जाएगी। और समय समय पर हम इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं वो डालते रह रहे हैं, पीपीटी भी हम शेयर करते हैं। तो प्लीज आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क में रहें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत करें ताकि उन्हें इनका लाभ मिल सके।
इसी सब आशा के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस इस साल हमारे खरीफ के अंतर्गत किसानों का करेंगे, मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। अगले बुधवार को मैं पुनः आप सभी के सामने उपलब्ध होऊंगा किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।